नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती में। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटे को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए खेती संबंधी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूँ की सबसे अधिक पैदावार देने वाली टॉप 3 वैरायटी के बारे में। तो इससे पहले जान लेते हैं किसान भाइयों कि हमें गेहूँ बोते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक किसान भाइयों, जो हम बीज ले रहे हैं वह किसी अच्छी कंपनी का लें और अच्छी क्वालिटी का लें। यदि किसान भाइयों हम नई वैरायटी बोते हैं अर्थात नया बीज बोते हैं तो उसमें जो हमारे दाने होते हैं किसान भाइयों वह समान होते हैं और उनका जवाब भी काफ़ी अच्छा होता है, जिससे हमें जो गेहूँ की पैदावार होती है वो काफ़ी अच्छी अर्थात बम्पर मिलती है किसान भाइयों। दूसरा है किसान भाइयों, जो हम अपना बीज बो रहे हैं अर्थात जो भी हम बीज लाए हैं किसान भाइयों वह शोधित करके बोएँ अर्थात बीज उपचारित कर बोएं किसान भाइयों। इसके लिए किसान भाइयों आपको 1 किलोग्राम बीज के लिए 5 से 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात आप अपने गेहूं की को किसी कपड़े पर बिछा फैला लें और उसमें हल्का हल्का ट्राइकोडर्मा का पाउडर डालकर उसे आपस में मिला लें किसान भाइयों और उसे हल्का सा पानी छिड़क दें जिससे वह चिपक जाए। इससे हमारा जो बीज होता है वह काफ़ी अच्छा होता है और इसका जवाब बढ़िया होता है और हमारे जो बीज पौधे होते हैं उनमें जड़ों का विकास भी अच्छा होता है जिससे हमें उसकी पैदावार भी अच्छी मिलती है किसान भाइयों। तीसरी जो सबसे मुख्य बात है किसान भाइयों, हमें बुवाई हमेशा समय पर करनी चाहिए अर्थात हमें नवंबर से बुवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए और 20 दिसंबर तक अपनी जो बुवाई कम्प्लीट कर लेनी चाहिए किसान भाइयों, जिससे हमारे जो फसल होती है पूरी तरीके से समय मिल जाता है अर्थात सही तरीके से चलने के लिए पूरा भरपूर समय मिल जाता है जिससे हमारी फसल जो है अच्छी तरीके से पक जाती है किसान भाइयों। अब बात करते हैं टॉप वैरायटी के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आती है किसान भाइयों SD 3226। यह किसान भाइयों काफ़ी अच्छी वैरायटी है और लगभग भारत के सभी हिस्सों में हो जाती है किसान भाइयों अर्थात किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। बात करें इसकी बीज की मात्रा की तो इसका जो बीज की मात्रा किसान भाइयों 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ काफ़ी होता है और इसका बुवाई का सही समय होता है किसान भाइयों वह नवंबर का महीना होता है अर्थात नवंबर के अंदर अंदर यह बोदनी चाहिए। इसके पौधों की लंबाई होती है किसान भाइयों वह 90 से 100 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटी काफ़ी जो नली होती है इसकी काफ़ी मोटी नली होती है जिससे वह गिरता भी नहीं है किसान भाइयों और इसे जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वह लगभग 4 सिंचाई करनी होती है अर्थात इसकी जो पैदावार होती है वह 33 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है किसान भाइयों। हमारी जो दूसरी सबसे मुख्य वैरायटी किसान भाइयों वह HI 8759। इसमें बीज की मात्रा की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा ली जाती है और इसका जो बोने का समय किसान भाइयों वह नवंबर और दिसंबर के महीने में बोई जानी चाहिए। इसके पौधों की लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर होती है जिससे यह गिरते भी नहीं किसान भाइयों, काफ़ी मजबूत नली होती है इसकी और बाल चमकदार और लंबी आकर्षक होती है किसान भाइयों। बात करें इसकी पैदावार की तो इसकी जो पैदावार किसान भाइयों लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है और यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरी सबसे मुख्य वैरायटी GW 187। यह काफ़ी प्रचलित वैरायटी है और काफ़ी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी किसान भाइयों। यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में अधिक से अधिक बोई जाती है। इसमें बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ली जाती है किसान भाइयों और इसका जो बोने का समय है वह नवंबर से 10 दिसंबर तक बोई जानी चाहिए अर्थात यह लगभग 120 दिन की फसल होती है। 120 दिन में पककर यह तैयार हो जाती है और इसकी जो पौधे की लंबाई होती है वह 90 से 105 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी नली काफ़ी मोटी होती है और इसमें भूसा भी काफ़ी निकलता है क्योंकि यह काफ़ी वजनदार होता है किसान भाइयों। इसका दाना गोल तथा आकर्षक होता है। और बात करते किसान भाइयों इसकी पैदावार की तो इसकी पैदावार किसान भाइयों लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप में ये कॉमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।